अब हर खबर से रहिए बाखबर, देखिए खबरों की 2020 सिर्फ फिक्र खबर पर। आईएसआईएस मॉड्यूल के नाम पर एनआईए की छापामार कार्रवाई का सिलसिला जारी। यूपी के हापुड़ के एक मस्जिद से मौलाना गिरफ्तार, एनआईए की कार्रवाई पर उठाए जा रहे हैं सवाल। 2019 मिशन की जंगी पैमाने पर तैयारियां जारी, मायावती और अखिलेश की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, एसपी बीएसपी इत्तेहाद से बीजेपी की नींद हराम। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती का बयान, कहा बीजेपी दौर में गैर एलानिया इमरजेंसी के हालात, अकलियती तबका, मुस्लिम और दलितों में बेचैनी का माहौल, कहा मफाद आम्मा के लिए हो रहा है गठबंधन, बीजेपी कांग्रेस दोनों को बताया बदउनवान। बीजेपी का दिल्ली में कौमी इजलास जारी, आज रामलीला मैदान में पीएम मोदी का भी होगा खिताब, गडकरी का बयान, अपने वजूद के लिए हो रहा है एसपी बीएसपी का गठबंधन। इत्तेहाद को लेकर बीजेपी सदर अमित शाह का दावा, बोले यूपी में 74 सीटों पर जीत दर्ज करेगी बीजेपी, अखिलेश का तंज, कहा 5 सीटों से जायद नहीं हासिल कर पाएगी पार्टी। अब अपनों के ही निशाने पर मोदी सरकार, बहराइच से बीजेपी मंत्री सावित्री बाई ने 10% रिजर्वेशन बिल की मुखालिफत की, कहा अगली बार मोदी बने पीएम तो समझो आइन हुआ खत्म। दुबई में राहुल गांधी ने किया हिंदुस्तानी बाशिंदों से खिताब, कहा बैरून मुल्क रहने वाला हर हिंदुस्तानी मुल्क की ताकत इंतखाबी मंशूर बनाने में दें हमारा साथ। राहुल ने इशारों में वज़ीर आज़म मोदी पर भी कसा तंज, कहा मैं यहाँ मन की बात करने नहीं आपकी बात सुनने आया हूँ, कहा 4.5 बरसों से मुल्क में आदम तहमुल का माहौल। छत्तीसगढ़ में भी सीबीआई के लिए दरवाजे बंद, भूपेश बघेल ने हुकूमती इजाजत के बगैर सीबीआई कार्रवाई पर लगाई पाबंदी, साबिक वजीर आला रमन सिंह का बयान, डर के मारे लगाई गई है पाबंदी। बलात्कारी बाबा राम रहीम सहाफी के कत्ल मामले में कसूरवार करार, 17 जनवरी को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट सुनाएगी सजा, डेरा के खिलाफ खबरें शाये करने पर सहाफी राम छत्रपति का गोली मार कर किया गया था कत्ल। मुल्क में एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा, लगातार तीसरे रोज महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, लोगों में बड़ी बेचैनी। ओहदे से हटाए गए आलोक वर्मा ने नया ओहदा संभालने से किया इनकार, ओहदे से हटाए जाने को बताया नाइंसाफी, कहा मुझे अपनी सफाई पेश करने का भी नहीं मिला मौका, इंसाफ को बालाए ताकत रख कर सुनाया गया फैसला। आलोक वर्मा की हिमायत में आए जस्टिस ए के पटनायक का बयान, वर्मा के खिलाफ बदनवानी के नहीं है कोई सबूत, सीवीसी की रिपोर्ट नहीं हो सकती हर्फ आखिर। आलोक वर्मा मामले को लेकर सियासत तेज, कांग्रेस ने मोदी सरकार को बनाया तनकीद का निशाना, कहा राफेल तैयारा सौदे की जांच रोकने के लिए सरकार ने मरकजी विजिलेंस कमीशन का किया गलत इस्तेमाल, राकेश अस्थाना के कहने पर ही आलोक वर्मा को हटाने का भी लगाया इल्जाम। जम्मू के नौशेरा में आईआईडी ब्लास्ट, धमाके में 2 जवानों की मौत, फौज को निशाना बनाने के लिए दहशतगर्दों ने बिछाया था धमाके खेज मवाद। उत्तर प्रदेश के भदोही में प्राइवेट स्कूल वैन में आतिशजदगी से 13 बच्चे झुलसे, 6 बच्चों को वाराणसी किया गया रेफर, रसोई गैस से वैन चलाने से हुई आतिशजदगी। राजस्थान में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की तादाद में लगातार इजाफा, अब तक 23 लोगों की मौत, 600 से जायद पॉजिटिव मामला आए सामने, महकमे सेहत घर घर कर रहा है सर्वे। शाम के दारुल हुकूमत दिमश्क में इसराइली फौज की बमबारी, इसराइल ने दिमश्क एयरपोर्ट पर दागे कई मिजाइल, हमले में किसी की हलाकत की इतला नहीं। जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों की अदालतों में बम की इतलात के बाद सनसनी सिक्योरिटी अहलकारों ने कई इमारतों को कराया खाली, ईमेल के जरिए दी गई थी इतलात, कमरे अदालत से मुश्तबह पैकेट बरामद होने की भी खबरें। जर्मनी समेत मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक में शदीद बर्फबारी, निजाम जिंदगी मफलूज, मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद हलाक, स्कूल में छुट्टी का ऐलान, तो बर्फबारी से कई परवाजें मनसूख। देश दुनिया से जुड़ी खबरों और अहम दीनी पैगामात को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फिक्र खबर टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना भी न भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचे।